क्या आपको पता है हमारे गेम में जो ओल्ड स्काइलर है ये वापस आ चुका है। अब आप गेम खोल के स्काइलर की एबिलिटी चेक करोगे और देखोगे भाई नहीं यार स्काइलर की एबिलिटी तो जैसे कि वैसी है, पुराना वाला स्काइलर तो वापस आया ही नहीं है। तो रुको जरा सबर करो, इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा अगर आपको पुराने स्काइलर की एबिलिटी यूज करनी है तो। और क्या आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आया है फ्री फायर अनबैन को लेके, एंड फ्री फायर ने उस पर एक्शन ले भी लिया है। और अगर फ्री फायर ने एक्शन ले लिया है तो भाई साफ साफ ये हिंट है कि शायद से फ्री फायर एक दो महीने में रिटर्न आ ही जाएगा और ये कंफर्म तो है। आखिर ऐसा तो क्या बोल दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने गरेना फ्री फायर वालों को और गरेना फ्री फायर ने सुन भी लिया। चलो आज की इस वीडियो में इस पूरे चीजों को अच्छे से जानते हैं। आज की इस वीडियो में से कमाल के मिस्टीरियस अनन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे OB41 अपडेट के बाद जो हमारे गेम में हुए हैं। सो इस वीडियो को जरूर से पूरा एंड तक देखना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके GW चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हां मैं आप लोगों से एक ही विनती करना चाहूंगा, अगर आप मुझे ज्यादा प्यार दिखाना चाहते हो तो प्लीज मुझे इंस्टा पे फॉलो करना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज सर्च करना GW_Manish, क्योंकि मैं बहुत ही अमेजिंग अपलोड करते रहता हूं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। अपडेट नंबर 8, हमारे गेम में जो मोको है ना, अब मोको की पहली एबिलिटी क्या थी कि किसी को मारते थे तो उसका जो लोकेशन है वो सारे टीममेट्स को और हमको मार खुदा रहा था। तो अगर वो बंदा भाग रहा है तो हम उसे आराम से स्पॉट कर पाते थे। लेकिन अपडेट के बाद मोको में एक चेंज हुआ है कि अब वो सिर्फ एक एनिमी को स्पॉट नहीं करेगा, अब मोको एक साथ काफी सारे बंदों को स्पॉट करेगा। और इसका एग्जांपल आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, मैंने एक साथ काफी सारे एनिमी को डैमेज दिया एंड सबकी लोकेशन मुझे मार खो चुकी है। तो शायद आप लोगों ने ये मोको का इंटरेस्टिंग चीज नोटिस नहीं किया होगा। अपडेट नंबर 7, और ये अपडेट भी कैरेक्टर को ही लेके है, और इस कैरेक्टर का नाम है शीरो। अब वो शीरो की एबिलिटी ये है, अगर आपको कोई एनिमी शूट कर रहा है तो उसका लोकेशन मार्क हो जाता है आपको भी और सारे टीममेट्स को भी। लेकिन इसमें भी सेम मोको जैसे ही चेंजेस हुए हैं कि अगर आपको एक साथ मल्टीपल एनिमी शूट कर रहे हैं तो उन सभी एनिमीज की जो लोकेशन है वो मार्क हो जाएगी आपको भी और आपके टीममेट्स को भी। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चेंज हुआ है। जहां तक मुझे पता है एडवांस सर्वर में इस चेंजेस के बारे में तो बताया नहीं गया था, लेकिन मैं आपको हमेशा ये चीज तो कहते ही आ रहा हूं, एडवांस सर्वर में जो चीज दिखाई जाती है वो हमेशा नहीं होती है। अपडेट नंबर 6, अब जो बंदे रोते रहते हैं ना कि भाई हमें हमारा ओल्ड फ्री फायर चाहिए, भले फ्री फायर अनबैन ना हो तो चलेगा, हमें ओल्ड फ्री फायर चाहिए, हमें कुछ भी हो हमारा ओल्ड फ्री फायर चाहिए, तो देखो यार गरेना प्लस ट्राई जरूर कर रहा है। आप लोगों को जैसा आप चाहते हो वैसा दे पाए, लेकिन 100% जैसा आप चाहते हो वैसा तो नहीं मिल पाएगा। वैसे ओल्ड फ्री फायर को लेके एक इंटरेस्टिंग चीज ऐड किया गरेना फ्री फायर ने, वो है एयरशिप। अब एयरशिप में चेंजेस क्या हुए तो मैंने आपको एडवांस ओवर में बताया था, एंड जैसे एडवांस ओवर में एयरशिप आया था सेम टू सेम वैसे एयरशिप यहां पे भी आया है। एयरशिप जहां पे आएगा वहां पे एक जिपलाइन आ जाएगा, तो जिपलाइन की मदद से आप एयरशिप के ऊपर चढ़ पाओगे और फिर वहां से लूट भी आराम से कर पाओगे। मतलब हाँ ट्राई तो कर रहा है गरेना फ्री फायर, और इस बार एयरशिप को थोड़ा अपडेट कर दिया है। पहले एयरशिप की जो लूट है वो नीचे गिरती थी, लेकिन अब नीचे नहीं गिर रही है। अरे भाई मोदी जी भी बोल देंगे अब हम सभी फ्री फायर प्लेयर को, और कितने अच्छे दिन चाहिए तुम लोगों को। अपडेट नंबर 5, गाइस पहले क्या हुआ करता था, अगर हम कहीं से जंप करते थे बड़ी हाइटेड एरिया से तो हम गन को स्विच नहीं कर पाते थे एयर में। लेकिन इस अपडेट के बाद से मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि जब आप ज्यादा ऊंचाई से भी जंप करते हो ना तो आप हवा में गन को स्विच कर पाओगे, तो ये काफी अच्छा है यार। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना हम जंप करते सामने एनिमी है, साला हमको हवा में स्विच करने मिलता नहीं था, नीचे उतरे बराबर मर जा रहे थे, तब हम हवा में ही स्विच कर सकते हैं गन को। और अगर एक लिमिटेड हाइट है मतलब थोड़ी छोटी हाइट है तो वहां से आप जंप करोगे तो आप हवा में फायर भी कर सकते हो। तो यार ये चीज मुझे काफी सही लगा, बल्कि आप लोगों ने इस चीज को नोटिस किया था ये मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना। अपडेट नंबर 4, क्या आपको पता है BR के अंदर मतलब जो बैटल स्टाइल होता है ना फुल मैप, उस वेंडिंग मशीन में दो इंटरेस्टिंग से चेंजेस हुए हैं। जैसे कि एक नया रिवाइवल वाला सिस्टम चेंज हुआ है, मतलब आप वेंडिंग मशीन में अगर आपके पास टोकन नहीं है तो वहां से आप रिवाइव कर सकते हो, वो आपको थोड़ा समझ रहे हो ना, ये वाला मैंने आपको एडवांस ओवर में बताया था कि अगर आप यहां से रिवाइव के बटन को दबाओगे तो आपके टीममेट्स रिवाइव हो जाएंगे, बस आप लोगों को मरना नहीं है, वहां से भाग जाना है, अपने एनिमी से आपको बचना है। अगर आप मर जाते हो तो आपके टीममेट्स रिवाइव नहीं होंगे और वहां से आपका एनिमी पीछा करेंगे, क्योंकि मैप में आप दिख जाओगे आप यहां से यहां भाग रहे हो, आपको हंट करेंगे। उसी के साथ साथ वेंडिंग मशीन में एक और चीज ऐड हुआ है, वो है साइलेंसर। पहले के टाइम पे साइलेंसर वेंडिंग मशीन में नहीं हुआ करता था, लेकिन अब वेंडिंग मशीन में साइलेंसर भी देखने मिल रहा है। एक तो ऑनेस्टली बोलूं तो BR के अंदर सच में बहुत ज्यादा ही साइलेंसर कर दिया गरेना वालों ने, अब वेंडिंग मशीन में भी साइलेंसर दे दिया है। मतलब साला सब बंदे साइलेंसर लेके ही खेलेंगे, पता ही नहीं चलेगा बंदा मार रहा है तो मार रहा है कहां से। पहले अच्छा था साइलेंसर बहुत ज्यादा कम हुआ करता था गेम में तो मजा आ रहा खेलने में, अभी साइलेंसर बहुत ज्यादा हो गया तो क्या ही बोले भाई, छोड़ो। अपडेट नंबर 3, आपको पता है गरेना फ्री फायर ये चीज को मानती तो है कि ओल्ड फ्री फायर उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आज के टाइम पे जो फ्री फायर है उसे इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए फ्री फायर हमेशा न्यू चेंजेस करते रहता है और हम लोग इन नए चेंजेस को नोटिस नहीं करते, हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि भाई ओल्ड फ्री फायर। मैंने कितनी बार कहा यार ओल्ड फ्री फायर जस्ट एक फ्रेंड्स का कमाल है। आपके पास आपके टीममेट्स है ना तो आपको खेलने का मजा आता था, अभी आपके पास टीममेट नहीं है इसलिए आपको खेलने का मजा नहीं आता है, ये एक ओल्ड फ्री फायर की डेफिनेशन है। अब गरेना हमारे गेम में नए चीजें ला
रहा है तो उसे तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ना। जैसे कि अगर कोई बंदा नॉक पड़ा है, आपके हाथ में कोई मिली वेपन है जैसे कि कटाना, तो यहाँ पे एक स्पेशल सा एक इफेक्ट आता है उसे मारने के लिए। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो कितना स्टाइल से मारता है, तो देखने में कितना इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन क्या कोई बंदा इसे अप्रिशिएट कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि सब बंदे यही सोच रहे हैं कि हमारे गेम को खराब कर दिया इस OB41 पैच अपडेट के बाद, हमारे गेम से रेड नंबर रिमूव हो गए तो भाई मजा नहीं आ रहा है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था भाई, अगर अनबैन हो रहा है गेम अगर छोटे मोटे चेंजेस करने से, तो आप थोड़ा गेम में अपने खेलने में चेंजेस कर लो ना। थोड़े दिन की तो बात, येलो नंबर लगेंगे, उसके बाद थोड़े टाइम बाद आपको खुद आदत हो जाएगी, रेड नंबर भूल जाओगे आप। लेकिन कुछ बंदे मुझे कमेंट कर रहे थे भाई गेम बैन रहता तो रहने दो, लेकिन हमें रेड नंबर चाहिए। मतलब कितने ही खतरनाक लोग हैं। हम लोग अभी तक रो रहे थे पिक को लेके, लेकिन खेलो ना भाई, थोड़ा खेलो, ऑटोमेटिकली आदत लग जाएगी। अगर हम सोचेंगे हर चीज हमारे हाथ में कंट्रोल करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है ना मेरे भाई। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सिस्टम मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा, लेकिन मैंने पूरे फ्री फायर कम्युनिटी में देख लिया, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है। चलो छोड़ो, अब बढ़ते हैं अपडेट नंबर 2 की तरफ, और ये अपडेट है ओल्ड स्काइलर को लेके। अब गाइस, अगर आप गेम में जाओगे, कैरेक्टर्स में जाओगे और स्काइलर कैरेक्टर की एबिलिटी देखोगे, तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। पहले स्काइलर की एबिलिटी क्या थी, ग्लूवल लगाने समय 40 HP मिलती थी, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ एक कैरेक्टर में ऐसे चेंज हुआ है जो कि बिल्कुल स्काइलर की तरह वर्क करता है। उस कैरेक्टर का नाम है नायरी। अब नायरी की एबिलिटी क्या है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपने ग्लूवल लगाया है और आपके ग्लूवल को कोई डैमेज दे रहा है, तो स्पेशली वहां पे ग्लूवल की जो HP है वो 250 इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ग्लूवल की जो पावर है, ड्यूरेबिलिटी है, वो 25 HP इंक्रीज हो जाएगी। सॉरी 250 बढ़ जाएगी। और अगर आपके ग्लूवल को डैमेज दे रहा है और उस ग्लूवल के 5 मीटर अंदर हो, तो आपको 40 HP इंस्टेंटली गेन हो जाएगा। तो यार ये चीज मुझे ओल्ड स्काइलर की बहुत ज्यादा याद दिलाया। और गाइस बस इतना ही नहीं, आप खुद भी ग्लूवल को डैमेज दोगे ना, तो आपकी जो हेल्थ है बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके टीममेट्स के भी हेल्थ बढ़ेगी अगर वो ग्लूवल के 5 मीटर रेंज के अंदर है। तो सच में यार ये बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा मुझे। और नायरी का ग्लूवल फोड़ने के लिए ना लोगों की चड्डी फट जाएगी, क्योंकि भाई वो उसका ग्लूवल फूटता ही नहीं है। तो कस्टम प्लेयर्स के लिए तो ये कैरेक्टर बेस्ट बेस्ट होने वाला है। गाइस अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, मतलब आपको वीडियो पसंद आ ही रहा होगा, तो यार क्या करो, जैसे वीडियो को लाइक कर दो, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो GW Rumors चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों को फ्री फायर रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ चैनल पे मिलते रहेगी। और जाके हमारे चैनल पे शॉर्ट सेक्शन में शॉर्ट्स को भी एंजॉय कर सकते हो फ्री फायर रिलेटेड ही। और आई होप कि आप लोग ने मैं इंस्टा पे फॉलो कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लेना यार, प्लीज यार, इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो फाइनली बढ़ते हैं अपडेट नंबर 1 की तरफ। आज से 2 दिन पहले जब हमारे गेम में अपडेट आया था, तो काफी सारे लोगों का दिमाग का भरोसा हो गया था, और वो कह रहे थे कि भाई रेड नंबर कहां है, क्योंकि आप गेम के अंदर सेटिंग्स में जाकर रेड नंबर्स नहीं ला सकते। अगर आप हेड मारोगे फिर भी आपको येलो डैमेज लगी है। अब मैं आपको इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ठीक है, अच्छे से सुनना। तो ये जो अपडेट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सर्वर में आया है, और जहां तक मुझे लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ नेपाल सर्वर में आया है। नेपाल सर्वर का मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन इंडियन सर्वर में आया है। अब काफी सारे लोग कहेंगे नहीं भाई पागल है क्या, दूसरे सर्वर में भी आया है। तो अच्छे से सुनो, दूसरे सर्वर में ना सेटिंग्स में विजुअल्स में ये वाला ऑप्शन है, नो ब्लड का क्लासिक का। तो अगर आप क्लासिक में करते हो तो आप लोगों का जो डैमेज इंडिकेटर है ना, वो फिर से पहले की तरह हो जाता है, और जो नो ब्लड करोगे तो अभी हमारे इंडियन सर्वर में जैसे चल रहा है ना वैसा हो जाएगा। और यही चीज को ना लोग ना VPN ला के कर रहे हैं। तो पहले मैं वही सोचूं, अगर कोई VPN लगा रहा है तो गेम की सेटिंग चेंज कैसे हो जा रही है। फिर मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सर्वर में ये सिस्टम को परमानेंट किया है, और बाकी सर्वर में एक ऑप्शनल रखा है, अगर आपको नो ब्लड में खेलना है तो आप नो ब्लड में खेल सकते हो। अब समझ में आया कि आखिर ये है क्या, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही चेंज क्यों किया। अब ये तो भाई समझदार लोगों का इशारा है, पहले ये वाला आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख लो। और उसके साथ साथ सिर्फ इंडिया में चेंज क्यों किया, क्योंकि फ्री फायर को वापस लाना है गरीना वालों को, इसलिए गवर्नमेंट की बात सुन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपके गेम के अंदर वायलेंस प्रमोट नहीं होना चाहिए, और वायलेंस प्रमोट कैसे होता है, रेड नंबर से, लाल से, खून से। इसे कहते हैं नो वायलेंस प्रमोशन इन द गेम। तो शायद अब आपको गेम समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। और हाँ गाइस, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि VPN लगाने के बाद सेटिंग्स के अंदर आप लोगों को एक नो ब्लर देखने मिलेगा, और शायद विजुअल्स में आप लोगों को एक डार्क भी देखने मिलेगा। तो अगर आप डार्क सिलेक्ट करते हो तो आप लोगों को रेड नंबर देखने मिलता है। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई ये सब VPN वगैरह यूज मत करो, 3-4 दिन अच्छे से गेम खेलो, आप लोग आदत लग जाएगी। और मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, 15 अगस्त के दिन पिछले साल गरीना फ्री फायर ने ना इंस्टाग्राम पे कोई विश किया था हम लोगों को, और ना गेम में कोई इवेंट आया था। लेकिन गाइज इस साल हमारे गेम में इवेंट आने वाला है इंडिपेंडेंस डे का, और हमें गरीना फ्री फायर विश भी करने वाला है। तो ये कैसे हुआ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है? कुछ तो गड़बड़ है, और ये गड़बड़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।